ये मुसलमान लड़का है, जिस समय मैं यज्ञ से उठाऊं रेकी करने के लिए यहाँ आया है, हमने तो खैर पुलिस वालों को दे दिया, कोई थप्पड़ वप्पड़ भी मंदिर में किसी ने इसको नहीं मारा है, हमने इसे पुलिस वालों को दे दिया, लेकिन मैं यहाँ के एसएसपी से, एसपीआरए साहब से, यहाँ के जितने भी पुलिस अधिकारी उन्हें बताना चाहता हूँ, ये हमले की तैयारी है, ये बड़े हमले की तैयारी है, इसे आप हल्के में मत लीजिए। कोई मुसलमान, सबको पता है यहाँ इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, फिर भी ये यहाँ आया है केवल इसलिए आया कि ये रेकी है और हमले की तैयारी है। आप हमारी बात मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन ये बड़ी घटना की तैयारी है। अब दरोगा जी है, इसे लेके जा रहे हैं, दरोगा जी का नाम है सुशील कुमार जी, सुशील कुमार जी को हमने इसे दे दिया है, ना एक भी थप्पड़ किसी ने इसे मारा है यहाँ पे, ना किसी ने हाथ लगाया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ और योगी जी तक ये संदेश पहुंचना चाहिए मेरा, मैं अभी योगी जी को इसे संदेश को भेज भी दूंगा, ये हमारी हत्या का प्रयास है, जिसे पुलिस यहाँ पुलिस हिंदुओं पे पूरी दादागिरी दिखा रही है, लेकिन ये अंदर तक आ गया, और योगी जी को बताना चाहता हूँ इतने लड़के कातिल हैं इनके यहाँ। आज डासना देवी मंदिर में एक मुसलमान बच्चे की सूचना प्राप्त हुई, इस बारे में जब जांच की गई तो पता लगा कि ये छोटा बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास है, इसका नाम अनस है और ये उस्मान कॉलोनी में रहता है। पूछताछ में इसने बताया कि इसकी दादी जो कि गर्भवती हैं वो बगल में ही डासना सीआरसी में एडमिट है और ये वहाँ उनसे मिलने जा रहा था और भूलवश ये मंदिर में प्रवेश कर गए। इस संबंध में जांच की गई तो वाकई पाया गया कि जो इसके पापा हैं वहाँ पर और इस बच्चे को जो एक लैंडमार्क बताया गया था वो डासना मंदिर का ही बताया गया था, इसी वजह से वहाँ पूछते हुए वहाँ आया और भूलवश उस मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया था। इसके पास कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई है और इसने जो भी बातें बताई हैं सारी तस्दीक गई।